और अब रुक करते हैं राजसमंद का, जहां जिस व्यक्ति का 10 दिन पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया वो जिंदा घर लौटा है। ये कहानी लगती फिल्मी है लेकिन बिल्कुल हकीकत है। दरअसल 11 मई को मोही रोड पर एक शव मिला। पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए सोशल मीडिया पर वायरल फोटो के आधार पर ओंकार के भाई नाना लाल को बुला लिया। नाने बताया कि मृतक के हाथ पर चोट का निशान है, लेकिन पुलिस अस्पताल में कहा गया कि शव 3 दिन पुराना है और डीप फ्रिज में होने से शायद निशान मिट गया हो। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और उन्होंने शव की अंत्येष्टि भी कर दी। मगर रविवार को ओंकार घर लौटा तो परिजनों के होश उड़ गए। उसने बताया कि वो घर पर बिना बताए तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए उदयपुर चला गया था, जहां से छुट्टी मिलने पर वो गांव लौटा है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब ओंकार जिंदा है तो वो कौन था जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया और ना ही विसरा रिपोर्ट ली। ऐसे में अब उसकी शिनाख्त कैसे हो पाएगी? मैं जिंदा हूँ, भूत नहीं हूँ। मैं इनको सबको बोल के क्या कहा, मैं उदयपुर जा रहा हूँ, फिर मैं वहीं रहा। यहाँ तो मैंने आके देखा तो पहले ये मेरा बच्चा भग गया मेरे को देख के। अच्छा। हाँ, फिर मेरी लुकई आई मेरे पास, मेरे को नीलाया। अच्छा, नीला के मेरे को कपड़े पहनाए इसने। तो मैं इसको बोला कि तू रोती क्यों है, क्या मर गए? मैं क्यों, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, बेटा हूँ। करने के लिए साहब वहाँ से जाके मैं आरके में गया था, इनकी लाश देखी तो सेम शक्ल उसी की मिली साहब, सेम शक्ल उसी की मिली। तो मेरे भाइयों ने, मैंने मेरे भाइयों को पूछा, भाई दो मेरे भाई साथ थे उनको पूछा, भाई वही है? तो क्या वही है, ठीक है। उनको लेके यहाँ आए भाई, दान दस का नहीं, उसको लेके गए, उसके देश बॉडी को लेके आए, फिर उसको जलाना वलाना किया साहब। कोई हमने उसके कपड़े लते तो खोले नहीं जो उसकी पूरी पहचान करे। अब क्योंकि हम तो इस बीमारी से डर रहे थे, सब डर रहे थे, तो हाथ तो किसी ने लगाए नहीं। हम दो तीन जने ने मिलके उसको शमशान में लेके गए थे साहब। नहीं, उनको डेथ बॉडी को मैंने देखा तो मैंने इन्फॉर्म किया कि भाई आपकी नज़र में आपका भाई लग रहा है, भाई मेरा हस्बैंड तो नहीं लग रहा है, एक बार मैं निशान देख लूँगी तो मेरे को यूँ लगने लग जाएगा कि भाई मेरा हस्बैंड है, उसकी डेथ होगी। नहीं निशान पाए तो मैं तो कंसर्न हो गई कि भाई मेरे को नहीं लग रहा है कि भाई वो मर गई। 10-15 व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे थे और इन्होंने उस शव की अपने भाई के होने की पहचान की थी। उसी शिनाख्त के आधार पर इनको PMO साहब से भी मिलवाया था, उनसे भी इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे भाई की है, हमें सुपुर्द किया जाए। उस आधार पर इन्होंने एप्लीकेशन भी दी कि हमारा भाई है और हम कोरोना भी चल रहा है तो PM वगैरह नहीं कराना चाहते हैं, हमारे इसको भाई के शव को हमें अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द किया जाए। और उस रिपोर्ट के आधार पर हमने इनको सब गाडुले लोहार परिवार जो है उसको सुपुर्द किया था। परिवार में से एक व्यक्ति आया कि साहब वो तो हमारा जो भाई था वो तो वापस आ गया है, अतः पूरे मामले की वापस जांच की जा रही है कि अगर ये व्यक्ति वो नहीं था तो फिर वो व्यक्ति कौन है, उसके बारे में तलाश की जा रही है।